महेश्वर तहसील के ग्राम भुदरी में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर गुरुवार शाम 7 बजे हनुमान मंदिर से श्री कृष्ण भगवान को पालकी में विराजित कर डोले की शुरुआत की। डोले में फूलों की तोप से पुष्प वर्षा की, डीजे ढोल ताशों के साथ झांकियां निकाली, जिसमें विशेष आकर्षण में चलित नंदी पर बैठे बाबा भोलेनाथ की झांकी और बर्फ से बनी बाबा भोलेनाथ की बर्फानी की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। डोला गांव के मुख्य मार्ग से राम मंदिर चौराहा, संत सिंगाजी मंदिर, नानक चौक, टांडा से होते हुए रात 12 बजे गणगौर चौक पर भगवान कृष्ण की आरती का डोले का समापन हुआ। महेश्वर से दिलीप यादव की रिपोर्ट। भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव पर अष्टमी की इस रात्रि को धूमधाम के साथ पूरे गांव के युवाओं के सहयोग से ये भव्य डोला निकाला जाता है भगवान कृष्ण का, और इसमें सभी ग्रामवासी और आसपास के भी जितने भी ग्रामवासी हैं सभी आते हैं और कृष्ण भगवान के इस महाआयोजन में अपनी अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराते हैं, आनंद भी लेते हैं। ये हमारी यात्रा पाटीदार धर्मशाला और हनुमान जी के मंदिर के सामने से प्रारंभ होती है और हमारे कृष्ण कन्हैया लाल पूरे गांव का भ्रमण करते हुए मेन चौक से होते हुए गांव के राम मंदिर, राम मंदिर से गोया चौक से गुरुद्वारा, गुरुद्वारा से हमारे सिंगा जी के मंदिर और फिर पूरे नगर भ्रमण करके पुनः हनुमान जी के मंदिर पर आकर हम आरती करके विश्राम करते हैं। बात करें तो हर वर्ष हम अलग अलग तरीके की झांकियाँ भगवान कृष्ण के उत्सव पर निकालते हैं। इस वर्ष और साथ में बाबा बर्फानी की मूर्ति झांकी थी जो कहीं ना कहीं बर्फ के माध्यम से और वास्तविकता के रूप में बाबा बर्फानी को हमने यहाँ विराजमान किया था और भक्तों ने इस झांकी का खूब आनंद उठाया। साथ ही चलित झांकी में भगवान भोलेनाथ मंदिर पर सवार होकर पूरे गांव का भ्रमण कर चुके हैं और हमारे कृष्ण कन्हैया लाल का भी डोला सजा कर पूरे गांव में भ्रमण करवाया गया। सभी श्रद्धालुओं ने सहयोग भी खूब दिया और आज का जो इंद्रदेव का आशीर्वाद था वो भी हमें प्राप्त हुआ और झमाझम बारिश में सभी भक्त घूमते हुए आनंद लेते हुए इस डोले में शामिल हुए। यात्रा में आपने गिनती करना तो मुश्किल है लेकिन मैं ये कहूँगा कि हजारों में संख्या होगी और आसपास के क्षेत्र के सभी लोग आते हैं और इस डोले का आनंद भी उठाते हैं और भगवान कृष्ण की भक्ति में अपनी अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराते हैं। यहाँ पर आयोजन किसके द्वारा? यह आयोजन कोई विशेष विशेष कोई मंडल के द्वारा नहीं होता है, इसमें समस्त ग्रामवासियों का और युवाओं का सहयोग होता है जिसमें सभी वर्ग के जो भी हमारे यदि बात करें तो गाँव में जितने भी रहने वाले जितने भी वर्ग के व्यक्ति हैं सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और सभी श्रमदान, धन दान और कहीं ना कहीं भक्तिदान सभी प्रकार से आते हैं और भगवान की अर्थ में कि डोले में अर्जी लगाते हैं और बाबा कन्हैया भगवान कृष्ण कन्हैया लाल उनकी सभी की मनोकामना पूरी भी करते हैं। अभी जैसे ही यात्रा हमारी खत्म हुई हमने भगवान कृष्ण की आरती और भोलेनाथ की आरती करते हुए अभी हमने यात्रा समाप्त की है और इसके जस्ट बाद हम अभी जन्मोत्सव मनाएंगे। रात्रि 12 बजे सभी युवा और गांव के वृद्धजन इकट्ठे होकर भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का आनंद लेते हैं और प्रसादी वितरण किया जाता है और इसी के साथ आज का ये जो हमारा कार्यक्रम होता है बड़ी धूमधाम के साथ पूरे गाँव में आयोजित होता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया जय, नंद घर नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिनो घोड़ा दिनो नंद घर नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।